याकूब अलैहिस्सलाम को देखे ना, बेटा चला गया, पता ही नहीं है जिंदा है या फिर फौतगी हो गई। जिनकी फौतगी हो जाती है उनको पता है कब्र के अंदर मदफून है, जाते हैं अपना दिल रो के हल्का कर देते हैं। और बयज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, गम से आंखें सफेद हो गई, बिनाई चली गई, और एंड में क्या कहते हैं, नमा अश्कु बसी वह दीन अल्लाह। या अल्लाह ये गम मेरे बातिन के अंदर है और ये गम मेरे जाहिर के अंदर है, अल्लाह दोनों को मैं तेरी तरफ लौटाता हूँ, तुझसे शेयर करता हूँ। क्योंकि दुनिया वालों के पास जाके जब ये आंसू बहाएंगे, अपने मसाइल खोलेंगे, वो फ्यूचर के अंदर कभी ना कभी टॉन्ट जरूर मारेंगे, उस मसले को उस वीकनेस को यूज जरूर करेंगे आपके खिलाफ। लेकिन अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, जब भी तो तहज्जुद रखी अल्लाह ने, कोई नहीं होता। और उस खास वक्त में अल्लाह आसमान दुनिया के ऊपर आता है और कहता है मेरा कोई बंदा, इंसान भी उस दिन जाए मुसल्ले पे जाके जो है ना बैठ जाए, सजदे में गिर जाए और अपना जो मन का गुबार है रो रो के निकाल दे, ये अल्लाह की दुनिया मुझे नहीं समझ पा रही, मैं कुछ सच करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ हक करना चाह रहा हूँ, मैं कोई खैर काम करना चाह रहा हूँ, इनको बात समझ में नहीं आ रही अल्लाह। इंसान अपना मन जो है ना वहां पे हल्का करता है। और कायनात के सबसे बड़े इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हस्ती को भी देखें, जब वो तहज्जुद में खड़ी होती तो ऐसी हंडिया उबलने जैसी आवाज आती रोने की, इतनी डीपली अल्लाह के रसूल रोते थे और अपने मन का गुबार निकालते थे अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने अपना पूरा ऑप्शन रखा हुआ है, तो एक इंसान को भुलाने के लिए, वसतों के लिए सबसे बड़ा रीजन अल्लाह, अल्लाह काफी है। मेरी खुशी के अंदर भी अल्लाह, मेरी गमी के अंदर भी अल्लाह, मेरी हार में भी अल्लाह, मेरी जीत के अंदर भी अल्लाह, मैं गिर जाऊं तब भी अल्लाह, मैं कुछ बन जाऊं तब भी अल्लाह, मैं कुछ हूं तब भी अल्लाह, मैं कुछ ना हूं तब भी अल्लाह। और आप देखें अल्लाह की जो ताकत इंसान जब इस्तेमाल करता है, इंसान बड़ा कमजोर है, ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है मैंने इंसान को बड़ा कमजोर बनाया, भूल जाता है, सो जाता है, थक जाता है, भूख लगती है, हजार गलतियां कोताही है। तो इंसान किसकी ताकत को इस्तेमाल करे, अल्लाह की ताकत को इस्तेमाल करें, वो फरिश्ते आएंगे अल्लाह के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाते हैं, अल्लाह आग का फरिश्ता भेजता है कि इब्राहिम हुक्म करें ये आग बुझ जाए, वो कहते हैं जिसके लिए मैं आग में गया हूँ वो मुझे बचाएगा, तुम कौन होते हो। तो अल्लाह ने भी उस दिन आग नहीं बुझाई, अल्लाह ने उस दिन आग की फितरत तब्दील कर दी, कहता है या नारू कूनी बर्दा, ए आग ठंडी हो जा, दुनिया के लिए जल रही है, मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली हो जा, कि जाए तो ऐसा लगे जन्नतों के अंदर है, दुनिया समझ रही है कि ये कोयला बन गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी शान और शौकत के साथ बाहर आते हैं। तो अल्लाह को आप अपने साथ ले आए जिंदगियों के अंदर, बड़ा आसान फॉर्मूला है। और आपके सारे काम थोड़ा सा आप करेंगे, बाकी सारा काम अल्लाह करेगा। थोड़े थोड़े इनिशिएटिव लेने और कंसिस्टेंट लेने, अच्छी नीयतों के साथ लेने, आगे अल्लाह होगा, पीछे बंदा होगा इंशाल्लाह।